गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हम आए हैं अपनी छत पे और हम अपनी छत से वीडियो शूट कर रहे हैं। ये देखिए, बच्चे खेल रहे हैं और ये हम आपको अपने फ्लावर दिखा रहे हैं। ये हमारे प्लांट हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश नहीं हुई है लेकिन मौसम अच्छा है, सुहाना मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम है, तो हम छत पे आए हैं टहलने। ये देखिए, बच्चे सब खेल रहे हैं पीछे। कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा मौसम है, कितना सुहाना मौसम है। रोज की तरह आज गर्मी नहीं है, कम गर्मी है आज। ये देखिए, पानी की टंकी दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये हमारे पड़ोस में लगी हुई है। और वो देखो बच्चे हैं, ये आगे हमारी छत की, सामने वाली छत पे काम चल रहा है तो पानी भरा हुआ है छत पे, सारा सीमेंट लगी हुई है। ये देखिए, हम आपको अपना बेले का प्लांट दिखा रहे हैं। देखिए कितने ढेर सारे फूल आए हुए हैं इस पे। और ये देखिए, ये हमारा चांदनी का पेड़ है, इस पे भी खूब सारे फूल आए हुए हैं। हल्की हल्की बूंदें पड़ी हैं सिर्फ, लेकिन फूलों पेड़ों में जैसे जान आ गई है। ये देखिए कितना फूल आया हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। ये इधर भी हमने प्लांट लगा रखे हैं जो कि बहुत छोटे छोटे से हैं। और ये देखिए, गोरी चोरी का हमारा प्लांट है। और ये देखिए, और ये देखिए हम आपको क्या दिखा रहे हैं। ये देखिए, हमारे प्लांट में बैंगन भी आ गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितना सुंदर है। और एक और भी है, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, ये देखो ये लगा हुआ है। और ये हमने लगाई है, गिलोय की छड़ी लगाई है, देखिए छोटी सी, तो अभी ये हरी नहीं हुई है, अभी इसमें किल्ली आने बाकी है। तो ये देखिए, और ये हमारा मक्का है, अभी इसमें भुट्टा नहीं आया है। ये देखिए, भुट्टा इसमें बहुत जल्द आएगा। जब भुट्टा आ जाएगा हम आपको फिर से वीडियो शूट करके दिखाएंगे। और ये देखिए, हमारा एक प्लांट और है, इसमें देखिए, ये देखिए बाली भी आ गई है, इसमें मक्का लगेगा बहुत जल्द। ये देखिए दूसरा है। तो हमने कई सारे प्लांट लगाए हैं मक्के के, तो सब में फूल आ रहा है। ये देखिए गुलाब है, और ये हमारा गुड़हल है, ये पर्पल कलर का गुड़हल इसमें आता है, लेकिन अभी इस टाइम कोई गुड़हल नहीं लगा हुआ है। कलियाँ छोटी छोटी सी हैं इस पे। और ये हमारा गुलाब है, तो बारिश नहीं हो रही है इस वजह से फ्लावर इसका बहुत छोटा है, बड़ा फ्लावर अभी नहीं आ रहा है। जब बड़ा फ्लावर आएगा तब हम आपको फिर से दिखाएंगे। ये देखिए फूल लगे हुए हैं, लेकिन फूल बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं। और ये देखिए पिंक कलर का है हमारा, ये रोज़ है हमारा पिंक कलर का, देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है। और एक ये भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, सब छोटे छोटे से हैं तो अभी बड़े नहीं हुए हैं। सदाबहार भी दिखाते हैं अपना, ये हमारा सदाबहार है, देखिए कितना फूल आया है सदाबहार में। इधर भी हमने सदाबहार लगा रखा है, ये देखिए इधर भी सदाबहार लगा हुआ है। तो सदाबहार में तो फूल आते हैं हमेशा, बस पानी की ज़रूरत रहती है। और ये हमने चांदनी इधर लगाया है, ये हमारा छोटा वाला चांदनी का पेड़ है। ये देखिए, इसमें भी फूल आते हैं छोटे छोटे से। और ये मनोकामनी का है, देखिए ये मनोकामनी है, इसमें कलियाँ आई हैं, अभी इसमें फ्लावर नहीं आ रहा है। ये देखिए, आपको पास से दिखा रहे हैं, छोटी छोटी सी कलियाँ इसमें लगी हुई हैं सब। और ये इधर भी हमने मक्का लगा रखा है, ये देखिए गमले में लगाया है। तो जब इसमें भुट्टे आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे पूरा।
और ये गुड़हल है, इसमें भी अभी फूल नहीं आ रहे हैं। ये देखिए ये गुड़हल है, ये बेला है, ये देखिए बेला में फूल आए हैं लेकिन अब सब सूख गए हैं। अब बारिश होगी तभी इनमें फूल आएगा। ये बाबू को हमारे बुखार आ गया है, इनको सर्दी हो गई है, तो आज इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आज इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये रात भर सोए नहीं हैं, तो सर्दी से बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको सर्दी हो गई है। तो हमने इनको स्टीम दी है और इनके लिए हमने काढ़ा बनाया है। तो काढ़ा हमने इनके लिए कैसे बनाया है, बच्चों के लिए काढ़ा कैसे बनाया जाता है, तो आप लोग हमारी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। काढ़े की रेसिपी आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस काढ़े को पीने से सर्दी बहुत जल्दी कवर होती है। तो हमने अभी एक बार इनको दिया है, तो अभी हम और बनाएंगे और इनको पिलाएंगे। तो काढ़ा बनाने के लिए हमने 1.5 गिलास पानी लिया है। 1.5 गिलास पानी हमने फ्राई पैन में डाल दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। पानी हमारा गर्म हो रहा है। हम लेंगे 3 से 4 काले मिर्च और 2 लौंग। ये काढ़ा हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो हम थोड़ा सामग्री कम ही डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर सामग्री डाल देंगे तो बच्चे पी नहीं पाएंगे। हम पानी में तेज पत्ता डाल देंगे, एक छोटा तेज पत्ता हम पानी में डालेंगे, और उसके बाद थोड़ी सी अदरक लेंगे, और हम एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा लेंगे, और इसको हम अदरक के साथ कूट लेंगे। लौंग, काले मिर्च, अदरक और दालचीनी का टुकड़ा हम एक साथ कूट लेंगे। जैसे हम कूट रहे हैं इस तरह आपको कूटना है, और कूटने के बाद आपको इसी पानी में डाल देना है। फ्रेंड्स, तो ये हमने सब मसाले डाल दिए हैं अच्छे से, और हम इसको पकने देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक, और हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे चोकर, जो हम आटा चालते हैं जो चोकर निकलता है वही चोकर हम थोड़ा सा ले लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा लेना है हमें, 2 चुटकी के बराबर हमें लेना है, और थोड़ा सा 1 चुटकी हमें सेंधा नमक भी इसी में डाल देना है। तो ये हम सेंधा नमक भी डाल दे रहे हैं, और गैस को स्लो कर देंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे, और इसको धीरे धीरे हम पकने देंगे। थोड़ा सा हम गुड़ डालेंगे, हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे, नहीं तो बच्चे नहीं पी पाएंगे, उनको कड़वा लगेगा, तो इसलिए हम गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। और ये फ्रेंड्स सर्दी के लिए बहुत अच्छा काढ़ा है। सर्दी में जब आप इसको 2 से 3 बार पियेंगे तो ये आपके गले का दर्द, चाहे छोटे बच्चे पिएँ या बड़े पिएँ, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गले का दर्द, सर्दी, जुकाम, सब कुछ इस काढ़े को पीने से दूर हो जाता है। तो ये हमारा काढ़ा स्लो फ्लेम पे पकेगा। जब ये हमारा काढ़ा आधा रह जाएगा तब हम गैस से उतार लेंगे, और गरम गरम हम इसको छान देंगे। बच्चों को हम थोड़ी मात्रा में ही देंगे, ज़्यादा हम बच्चों को नहीं देंगे, तो हम आधा कप दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, हमने इसमें पुराना गुड़ का इस्तेमाल किया है, हमारा गुड़ बहुत पुराना था, इसी वजह से ये हमारा काढ़ा काला काला सा दिखाई दे रहा है। और अब हम गरम गरम पिलाएंगे बच्चों को, आप पिलाइए या बड़ों को पिलाइए, सभी के लिए ये काढ़ा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हम सबको पिलाएंगे, तो बाबू हमारा पीने से मना करेगा, वो नहीं पीता है, उसको कड़वा लगता है, तो उसको हमें पिलाना पड़ता है। सर्दी जुकाम में काढ़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, ये हमारे सीने की जकड़न को भी दूर करता है। तो ये हम अपने बाबू को पिला रहे हैं, लेकिन बाबू हमारा डर के मारे पी तो रहा है, लेकिन बहुत मना कर रहा है, वो कह रहा है हमको नहीं पीना है, और ज़बरदस्ती करके हम उसको पिला रहे हैं। अगर आपको खांसी आ रही है तो आप इस काढ़े को 2 से 3 बार पी लीजिए, आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, तो आप इस काढ़े को ज़रूर बनाइए। अगर आपको सर्दी जुकाम लग रहा है तो आप इस काढ़े को ज़रूर बनाइए, बच्चों को पिलाइए, बड़ों को पिलाइए, सभी के लिए ये काढ़ा बहुत अच्छा है। तो आप इस काढ़े को एक बार ट्राई ज़रूर करिए। वीडियो हमारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।